नमस्कार, मैं आनंद आप लोग को अपने चैनल द ज्ञान सिविल सर्विसेज में स्वागत करता हूँ। हम लोग पिछले क्लास में बीपीएससी 64वीं के स्टैटिक्स के क्वेश्चंस को पढ़ रहे थे और आज उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मैंने पहला क्वेश्चन ऑलरेडी वहाँ पे देख चुका था, आज मैं इसका दूसरा क्वेश्चन देखूँगा। ये क्वेश्चन है, निम्न बहुसलाख लेखाचित्र चयनित निर्माताओं द्वारा किसी एक प्रकार के वाहन का उत्पादन 3 वर्ष के अवधि के लिए दर्शाया गया है और रेखाचित्र वाहनों के मूल्य को वर्ष 2017 के दर्शाया गया। देखिए, ये जो है उत्पाद दिया गया है, ये जो है उत्पाद 2015 का, जो 2015 का है वो स्काई कलर का है, 2016 ऑरेंज कलर का, और ये वाइट में जो है ये 17 का है। और ये 2017 में मूल्य दिया गया है उत्पाद का, मूल्य क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में। तो क्रय मूल्य ये जो है ये स्काई कलर के से डिनोट किया गया और विक्रय मूल्य को ये ऑरेंज कलर से डिनोट किया गया है। तो इसी डाटा को देखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन आपका हो जाता है कि वर्ष 2015 से 2017 के वाहनों के उत्पादन में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। मतलब 2017 से 2015 से 2017 के में वाहनों के उत्पादन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। अच्छा, यहाँ पे ये नहीं दिया गया है कि ए में, बी में, सी में, तो चलिए तो हमको तो सब में निकालना पड़ेगा। चलिए, मैं तो यहाँ पहले डाटा बना लेता हूँ। यहाँ पे वाहनों की संख्या या फिर उत्पाद में लिख लेता हूँ, जस्ट वेट। मैं यहाँ लिख लेता हूँ वाहनों की संख्या, वाहन वाहन। फिर मैं लिख लिया यहाँ पे ए बी सी डी ई, क्योंकि हमारा 4 है, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ए। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वर्ष 2015 16 17, ये 2015 2016 और ये 2017। अब देखिए, 2015 में कितना उत्पादन है। तो 2015 देखिए, ए वाला देखता हूँ, तो ये 8 14 25, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 8, यहाँ पे 14, यहाँ पे 25। अगर बी वाला 12 18 18, तो ये दिया गया है 12 18 18। अगर मैं सी वाला देखूँ तो ये दिया गया है 6 9 15। सी वाला 6 9 15, 6 9 15। और अगर मैं डी वाला देखता हूँ तो 16 9 20, 16 9 20 दिया गया है, 16 9 20। अगर मैं ई वाला देखता हूँ तो 8 14 8, 8 14 8। ये तो सारे हो गए। अब देखिए, मैं यहाँ से टोटल कर लेता हूँ, टोटल तो ये हो गया 12 8 20 6 12 8 20 20 6 26 26 4 30 4 34 34 और 6 40 10 50। तो ये हो गया आपका 50 टोटल। यहाँ पे मैं बात करूँ तो 14 14 28 28 और 18 18 36 64 18 18 36 36 10 4 4 50 10 8 64, ये हो गया 64 25 25 और ये 20 10 30 10 40 50 60 10 70 10 80 6 86, ये निकल गया आपका 86 निकल गया। लेकिन आपसे पूछ रहा है 15 से 17 में वाहनों के उत्पाद में कुल कितनी वृद्धि हुई है। 2016 15 से 17 में, चलिए अब हमको मूल्य पे जाना पड़ेगा, मूल्य पे जाना पड़ेगा। तो एक और मैं डाटा बनाऊंगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ उत्पाद, उत्पाद। तो उत्पाद है हमारा ए बी सी डी ई। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रय मूल्य, सी पी को मैंने क्रय मूल्य से इंडिकेट किया है, ये एस पी, ये एस पी
और यहाँ पे मैं लिखूँगा लाभ। तो देखिए मैं पिछले डाटा में जाता हूँ और मैं देखता हूँ, देखिए तो यहाँ पे लाभ कितना दिया, ए का कितना दिया गया, क्रैमुल क्रैमुल जो है ना हमारा वो है ब्लू में, ब्लू में तो ये दिया गया 3.5 से ऊपर, 3.5 से ऊपर मतलब 3.6, 4 और 3.5 के बीच में 3.6, ये हो गया 3.6। फिर मैं देखता हूँ आगे दिया गया है 4, ये हो गया 4। फिर मैं आगे देखता हूँ तो ये दिया गया है 4 से थोड़ा सा ऊपर, 4.8, 4 से थोड़ा सा ऊपर तो 4.2, ये मैं 4.2 ले लेता हूँ। अब डी में आता हूँ तो डी ये देखिए एक्यूरेट 4 पे आ जाता है तो ये फिर से 4 हो गया। अब मैं ई पे आता हूँ तो ई हमारा यहाँ पे देखिए 4 से ऊपर मतलब 4.5, 4 और 4 के बीच में मतलब 4.25 में ले लेता हूँ, 4.25। अब मैं एस पी में आता हूँ, एस पी है हमारा ये ऑरेंज कलर का जो है देखिए 4 और 4.5 के बीच में है, इसका मतलब ये हो गया कि 4.25 या फिर 4.2 सिर्फ रख लेता हूँ तो ये हो गया 4.2। फिर मैं देखता हूँ ये आगे बढ़ा गया 4.5 से ऊपर है और 5 से नीचे है तो 4.8 ले लेता हूँ तो ये 4.8 हो गया। आगे जो डाटा दिया एक्यूरेट 5 पे चला गया है तो ये 5 हो गया सी। फिर यहाँ पे 4.5 से थोड़ा सा ऊपर है मतलब ये बीच वाले लाइन पर है, 4.5 से ऊपर मतलब 4.8 में ले लेता हूँ, 7.5 या फिर 4.8 रख लेता हूँ। और सबसे लास्ट वाला दिया गया है वो 5 पे दिया गया है, चलिए ये मैं 5 ले लेता हूँ। लाभ तो यहाँ पे मैं यहाँ पे तो लाभ हो रहा है 4.6 का तो यहाँ पे 0.6 का लाभ होता है, लाभ कैसे घटा करके निकलेगा, यहाँ पे करिएगा तो ये भी 0.8 आएगा, ये सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारा 0.8 आएगा, 4.8 से 4 घटाएंगे तो ये भी हमारा 0.8 आ गया और ये आ जाएगा 0.75, ये आ गया। तब देखिए 2015 में वाहनों का कुल उत्पादन जो था, एक बार मैं क्वेश्चन पुनः पढ़ लेता हूँ, 2015 में वाहनों का कुल उत्पादन, चलिए 2015 में मैं यहाँ लिखता हूँ 2015 में वाहनों का उत्पादन, तो 2015 में वाहनों का कुल उत्पादन कितना था, तो 50 था, 50 था। अच्छा और 2017 में वाहनों का कुल उत्पादन कितना था, 2017 में वाहनों का कुल उत्पादन ये था 86, तो कितना बढ़ गया। और ये उत्पादन निकालने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी, आप यहीं पर भी कर सकते थे, तो ये मैं आगे जरूरत पड़ेगा मैं इसका मैं उस डाटा का प्रयोग आगे करूँगा। देखिए तो यहाँ पे वृद्धि कितना हो गया, प्रतिशत वृद्धि, यहाँ पे 86 था, 50 से 86 हो गया मतलब 36 बढ़ गया, ये बढ़ा है 50 पे, परसेंट में करने के लिए 100 से गुना, 50 × 100 तो ये कितना बढ़ गया, 72% वृद्धि हो गया। देखिए ये जो दूसरा डाटा मैंने तैयार किया है वो अगले क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी हमको, यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने 2015 में कितने टोटल वाहन उत्पादन हुए, 2016 में कितने वाहन उत्पादन हुए, 2017 में कितने उत्पादन, ये पता कर लिया। अब 15 से 17 में कितना वृद्धि हुआ है, तो 50 था 86 हो गया, तो बढ़ा कितना है, तो बढ़ा है आपका 36 और ये बढ़ा है 50 पे, परसेंट में करने के लिए 100 से गुना कर लिया। अब देखिए बी नंबर का है, किन उत्पादकों ने विचाराधीन अवधि में वाहनों की बराबर संख्या उत्पाद की है, तो चलिए कह रहा है किन उत्पादकों ने, तो ए मैंने ए का बी का और सी का तीनों मतलब ए का उत्पादन फिर बी का उत्पादन फिर सी का, तो पहले मैं ए का निकालता हूँ, मैं यहाँ पे निकालता हूँ ए का उत्पादन, ए का उत्पादन देखिए 8, 14, 25, 8 प्लस 14 प्लस
25, 8 4 12, 12 5 17, ये 47,000 हो जाएगा। फिर बी का उत्पादन ये है 12 18 18, 12 18 18, 12 18 36, 37 38, 10 48 हो गया ये। अब मैं निकालता हूँ सी का उत्पादन, तो सी का उत्पादन 6 9 15, 6 प्लस 9 प्लस 15, मतलब 30 हो गया। फिर मैं निकालता हूँ डी का उत्पादन, तो डी का कितना हो गया 15 9 20, 15 ने 16 9 20, 16 प्लस 9 प्लस 20, 16 9 25 20 45। अब मैं निकालता हूँ ई का उत्पादन, ई का उत्पादन, तो देखिए तो ई का उत्पादन 8 14 8, 8 प्लस 14 प्लस 8, 8 8 16 16 और 14 30 हो गया। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसकी संख्या बराबर है, तो अब आप देखिए तो बराबर कितना हो गया, एक ई का हो गया और दूसरा सी का हो गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी और ई के वाहनों की बराबर संख्या उत्पादित की गई है। लिखेंगे सी तथा ई में वाहनों की संख्या, वाहनों की संख्या बराबर उत्पादित है, यही आपका आंसर हो गया। मैंने ए का बी का सी का डी का मैं पिछले डाटा से भी देख करके कर सकता था यहाँ पे, यहाँ से तीनों को जोड़ करके, लेकिन मैंने अलग से कर दिया। चलिए सी नंबर में आता हूँ मैं, कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्पादक ए और डी द्वारा उत्पादन किया जाता है, मतलब कुल उत्पादन का जितना भी उत्पादन होता है ए के द्वारा, बी के द्वारा, सी के द्वारा और डी के द्वारा, उस सब के उत्पादन का, तो ए बी सी डी के द्वारा, सबसे पहले तो मैं लिखूँगा ए बी सी डी और एक ई भी है, ई ई के द्वारा कुल उत्पादन, कुल उत्पादन, तो देखिए मैं इसे पहले भी सब निकाल चुका हूँ, 47 48 30 45, 47 48 47 48 30 45 और 30, 45 और 30, ये कितना हो जाएगा, तो आप इसको ऐड करिएगा, ये आ जाएगा आपका 200,000। अब क्या कर रहा है, कुल उत्पादन का, अब मैं ए और डी का निकालता हूँ, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए और डी का उत्पादन, ए और डी का उत्पादन, तो देखिए ए बी सी, ए का तो आपका 47 है, ए बी सी डी, डी का आपका 45 है, तो 45 2 90 2 92 निकल गया। अब आपका बताना है अभीष्ट प्रतिशत, तो ए और डी का जो उत्पादन है मतलब 92, ये 200 का कितना प्रतिशत है, मतलब टोटल का, ये 20 से 20 ख़त्म, 2 4 8, 2 6 12, तो ये कितना निकल गया आपका, 46% निकल गया, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो आसान क्वेश्चन था ये भी। चलिए मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ, डी नंबर कह रहा है वर्ष 2017 में किस उत्पादक का लाभ प्रतिशत अधिकतम था। देखिए 2017 में किस उत्पादक का लाभ प्रतिशत अधिकतम था ये बताना पड़ेगा, हमको तो सबसे पहले ए बी सी डी ई सबका लाभ प्रतिशत निकालना पड़ेगा। तो चलिए मैं आता हूँ,
देखिए मैंने एक डाटा पहले ही बना चुका है यहाँ पे। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में ये डाटा मैंने बनाया हुआ था, ये डाटा मैंने बनाया हुआ है सबसे पहले क्वेश्चन में। ए का लाभ 0.6, बी का लाभ 0.8, सी का लाभ 0.8, डी का लाभ 0.8, ई का लाभ 0.75। ये डाटा हमें उस क्वेश्चन में यूज़ करना है। तो ए का लाभ है 0.6, ए का लाभ हो गया 0.6। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अच्छा, लाभ ए के लिए, फिर पहले ए के लिए, फिर बी के लिए, फिर सी के लिए। तो पहले मैं ए का लाभ देखता हूँ। ए का लाभ तो ये है आपका, ए का लाभ था उधर 0.6, तो ये था आपका 0.6। तो मैं यहाँ से इसका लाभ प्रतिशत निकालता हूँ। लाभ प्रतिशत देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, लाभ प्रतिशत जो होता है ये होता है हमारा लाभ इनटू में 100 अपॉन में सीपी। तो देखिए लाभ इनटू में 100, और देखिए तो ए का में सीपी, सीपी है हमारा स्काई कलर वाला, मतलब 3.5 से थोड़ा सा ऊपर, मतलब 3.6। तो ये पॉइंट से पॉइंट ख़त्म हो गया, 6×36 कट गया, तो ये आ गया 100/6, 100/6 मतलब 50, 16.67% आ गया। अब मैं निकालता हूँ बी का लाभ, बी का लाभ। तो देखिए मैं पहला डाटा देख लेता हूँ। देखिए यहाँ पे जो था बी का लाभ है 0.8 और सेलिंग प्राइस 4 है, तो 0.8 अपॉन में सेलिंग प्राइस 4% में करने के लिए 100 से गुना कर लूँगा मैं। तो ये पॉइंट हटाऊँगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 4×2 = 8। तो बी का लाभ हो गया आपका 20%। अब मैं निकालता हूँ सी का लाभ, सी का लाभ। अब देखिए तो मैं बैक करता हूँ, देखिए सी का लाभ है 0.8 और इसका क्रय मूल्य है 4.2। 0.8 क्रय मूल्य है इसका 4.2% में करने के लिए 100 से गुना, ये पॉइंट और ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4×2 = 8, ये हो जाएगा 21×2 = 42, ये हो जाएगा 400/21। 400/21 का मतलब हो जाता है 19.05। सी का निकाल दिया, अब मैं निकालता हूँ डी का लाभ, डी का लाभ। चलिए सबसे पहले जाता हूँ मैं, देखिए डी का लाभ है 0.8, क्रय मूल्य है आपका 4, इसका जो लाभ था ये था आपका 0.8, क्रय मूल्य है 4% में करने के लिए 100 से गुना। तो ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 0, 0 से 0 कैंसिल, 4×2 = 8, तो ये भी निकल गया आपका 20%। अब मैं निकालता हूँ ई का लाभ। तो देखिए पहले क्वेश्चन पर चलता हूँ, क्योंकि मैंने पहले क्वेश्चन में सारा डाटा निकाला हुआ है। 0.75, 4.25, 0.75, 0.75 अपॉन में 4.25% में करने के लिए 100 से गुना। तो ये पॉइंट से ये पॉइंट ख़त्म हो गया, 25×75, इसको मैं काटता हूँ, तो 25×25, तो बच गया ये 5×12 = 17, 6×25 = 7। तो ये आ गया आपका 300/17, 17×17 हैं 289, 17 point something होगा, 65%। ये सारा का लाभ मैंने निकाल दिया। तब आपके क्वेश्चन में क्या था कि किस उत्पादक का लाभ परसेंट अधिकतम था। देखिए इसका है 16.67, 20 19.05, 20
देखिए सबसे ज़्यादा तो दो गो का हो गया, एगो का 20, 20 बी का लाभ सबसे ज़्यादा है और डी का लाभ सबसे ज़्यादा है, तो लिख देंगे बी और डी का लाभ लाभ सर्वाधिक रहा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ, शायद ई नंबर। यदि उत्पादक डी को कुल 200 के कारण 4000 वाहनों को वापस बुलाना पड़ा तो कंपनी का लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? देखिए डी जितना उत्पादन करता है उसमें से 4000 वाहन किसी कारणवश उसको बुलाना पड़ा, उसका लाभ या हानि क्या होगा? तो सबसे पहले तो हमको ये ना पता करना पड़ेगा कि डी कितना वाहन उत्पादन किया है, डी जो है कितना वाहन उत्पादन किया है। तो देखिए लाभ या हानि खोजना है तो हमको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य खोजना पड़ेगा। तो देखिए डी का, तो डी की बात, डी की चर्चा हो रही है, तो डी का क्रय मूल्य हो गया आपका ये 4 और विक्रय मूल्य हो गया आपका 4.5 से ऊपर और 5 से नीचे, मतलब हम कह सकते हैं 4.75 कह सकते हैं, 4.75 कह सकते हैं। तो चलिए देखिए, तो डी का क्रय मूल्य सीपी, तो डी का जो सीपी है वो है आपका 4 और डी का एसपी ये 7.5 है, तो मैं इसको 4.8 रख लेता हूँ, 4.8 ये लाख में है, ध्यान में रखना है। तो इसका उत्पादन कितना दिया गया? उत्पादन तो दिया नहीं गया है, अच्छा डी का है ना, यदि डी का कुल उत्पादन, अच्छा डी का कुल उत्पादन मैं देखता हूँ, अब डी का कुल उत्पादन, देखिए डी का कुल उत्पादन ये तीनों को ऐड करके होगा, तो 20, 16, 9, 25, 25 और 20 45, इसका तो कुल उत्पादन दिया नहीं गया है। उत्पादन वाहनों की संख्या 1000 में, तो डी का, यदि डी के कुल 200 के कारण 4000 वाहनों को वापस बुलाना पड़ा तो कंपनी का लाभ या हानि क्या होगा? तो 2017 में डी का उत्पादन देखूं तो 16,925, ये 16,925 और 20,45, 2017 का ना बात कर रहा है, क्योंकि ये डाटा दिया गया 2017 का, तो हम 2017 का देखेंगे, 2017 का देखिए 20,000 है, डी वाला जो है ये 20,000 है, तो कुल उत्पादन ये हो गया हमारा 20,000, 20,000। देखिए ये जो डाटा दिया गया है 2017 का दिया गया है, तो लाभ जो होगा वो 2017 का होना चाहिए, तो 2017 में कितना उत्पादन हुआ है हमको ये पता करना पड़ेगा। तो 2017 में उत्पादन हुआ कितना है? 20,000 हुआ है, 20,000 हुआ है। तो यहाँ से इसका अगर हम इसका क्रय मूल्य निकाले और विक्रय मूल्य निकाले तो क्या निकलेगा? तो यहाँ से हम इसका क्रय मूल्य निकाले टोटल, तो सी पी इक्वल टू 20,000 को मैं 4 से गुना कर दूंगा तो ये हो जाएगा 80,000, और इसका मैं टोटल एसपी निकालूं, एसपी मैं यहाँ निकाल देता हूँ, तो 20,000 को मैं 4.8 से गुना कर दूंगा तो ये पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे 10, 48 दूनी 96,000, 96,000 हो गया, तो ये हो गया 96,000। तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 4000 वाहन को वापस बुलाने पड़े, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4000 वाहन वापस बुलाने पर, वापस बुलाने पर वाहन की संख्या, वाहन
संख्या। तो पहले था 20,000, 4,000 वापस बुला लिए, तो अब हो गया ये 16,000, 16,000 हो गया। तो मैं इस अब देखिए, 4,000 वाहन को वापस बुला लिया, तो खरीदा है 20,000 को, लेकिन 4,000 कम 16,000 को बेचेगा, तो यहाँ से इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 16,000, और सेलिंग प्राइस है एक का 4.8, तो ये पॉइंट मैं हटा लेता हूँ, ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो कट गया, तो ये निकल जाएगा आपका 16,28,67,68,00। तब देखिए खरीदने में इसको, अच्छा इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये अगर हम नहीं भी निकाले तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 20,000 खरीदा है लेकिन 4,000 वाहन वापस बुला लिया गया है, तो इसका मतलब हुआ 16,000 ही बेचा है, तो इसकी कोई आवश्यकता है नहीं हमें। तो खरीदने में लग गया है 80,000 और बेच करके आया है 76,800, तो इसको तो लॉस हो गया है, तो लॉस 80,000 माइनस में 76,800, तो लॉस कितने का हो गया, तो घटा लेंगे तो पता चलेगा 3200 का, इस 3200 लाख का लॉस हो गया है, तो लॉस परसेंट, तो लॉस क्रयमूल, क्रयमूल हो गया हमारा 80,000, और परसेंट में करने के लिए 100 से गुना, ये दो जीरो ख़त्म, ये दो जीरो ख़त्म, 8 चौके 32, देखिए लॉस कितना निकल गया, 4% निकल गया। मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, क्वेश्चन में कह रहा था कि यदि डी के कुछ दोषों के कारण 4,000 वापस बुला लिए गए, तो दोनों कंपनी में लाभ या हानि, तो लाभ या हानि का मतलब हो गया कि क्रयमूल और विक्रयमूल हमको दोनों ढूंढना पड़ेगा, तो क्रयमूल और विक्रयमूल यह 2017 में दिया गया है, तो हमको 2017 का उत्पादन लेना पड़ेगा, तो 2017 का उत्पादन देखिए 20 दिया गया है, 2017 का 20, ये हज़ार में है तो 20,000 हो गया, तो CP कितना हो गया 20,000 का, तो 4 से गुना कर देंगे तो 80,000 CP हो गया है, लेकिन किसी कारणवश 4,000 कम बेचता है, तो 4,000 कम बेचता है तो हो जाता है इसका कितना, 16,000, 16,000 बेचता है, और बेचता है कैसे 4.8 से, तो बेच करके आएगा कितना 76,800 आएगा, तो यहाँ से तो लॉस हो रहा है, उसके बाद मैं लॉस परसेंट निकाल लूँगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन 64वीं BPSC के पूछे गए स्टैटिक्स के पेपर थे जो ख़त्म हो गए, तो अगला क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में आपके बीच लेकर के आऊँगा। तो आज के वीडियो को हम यहीं रखते हुए, तब तक के लिए जय हिंद।